ओ चन्ना वे, ओ चन्ना वे, कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया रे, ओ चन्ना वे। सो हे गाइस, ये यार, ये गाइस, इस लड़की का क्या करूं मैं? ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखो प्रेती गाइस, क्या करूं? देखो, मैंने इतना परेशान कर इधर रखा। लेकर आई खड़े, ये देख लो गाइस, मेरे गाल काट रही है। ये गाइस से क्या हो गया मुझे बताओ, उसे कोई बताओ, मुझे बताओ। इशू लगा, अरे इशू बाबू प्लीज, सही लगा इशू लगा गाइस, इशू काट, इशू गाइस कौन रहता मेरे पास? हाँ, मेरा बच्चा, देखो गाइस, ये मेरा बच्चा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये मुझे काट यार, ऐसे क्यों कर रही थी, समझ नहीं आ रहा। ये सुबह वो देख देख, तेरे पूरा गाल आ गया। नहीं नहीं प्लीज गाइस, मुझे ऐसे बहुत परेशान करती है, मैं क्या करूँ? इसका कल पेपर भी है और ये पढ़ाई भी नहीं कर रही, पता आपको? इसे सवेरे थोड़ी देर पढ़ाई करी थी मम्मी ने, इसको सवेरे मॉर्निंग में पढ़ाई करा रखी है वैसे भाई देवे, और अब ये थोड़ी देर में और पढ़ाई करेगी। आज हमारा प्लान गाइस कैंसिल कर रहे हैं हम, बिकॉज कल इसका फाइनल पेपर है। आज हम सोच रहे हैं घर पे ही कुछ कर लेंगे एक्टिविटीज़, टाइम मिलेगा तो। और मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है काम पे अपने, मैं जाऊंगा बाहर और अपना बाहर का काम ख़त्म करके वापस आता हूँ। तो हे गाइस, टाइम हो चुका है, 3 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए हैं। तो दोस्तों, लंच कर चुका हूँ, यशस्वी लंच कर रही है, और लंच बनाया था मैंने गाइस। रीज़न, नीतू की तबीयत ख़राब है, सो मैंने उसको आज कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने लगा तो आज प्योरली रेस्ट कर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसे कल से मैंने आपको बताया था कि कल भी उसकी तबीयत ख़राब थी, सो इसलिए मैंने नीतू को बोला है कि तू प्योरली रेस्ट कर, आज 2-3 घंटा वो सो रही है, उसके सो जाएगी, उसके बाद वो उठेगी तो लंच कर लेगी। और शाम को गाइस, अब देखते हैं कि यशस्वी को हम लोग प्लान तो सोचा है कि हम लोग बाहर जाएंगे, बट समहाउ बिकॉज ऑफ यशस्वी एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं उसको कभी जब पढ़ाई के मामले में कोई वो नहीं करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। रीज़न बीइंग कि व्लॉगिंग एक अलग पार्ट है पर एजुकेशन एक अलग पार्ट है, उसके बीच में हम दोनों मिक्स नहीं करता हूँ। मैं अपना काम भी कर रहा हूँ दोस्तों, व्लॉगिंग भी कर लेता हूँ और साथ के साथ यशस्वी को तंग नहीं करता हूँ। यशस्वी जब पढ़ाई कर रही होती है उसको व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, बहुत सीरियसली मैं उसको पढ़ाई भी कराता हूँ। तो गाइज, ये है अभी तक की कहानी। इशू नीतू उठती है, उसके बाद प्लान करते हैं और जैसा भी रहेगा आप सब शेयर करेंगे दोस्तों। तो हे गाइस, टाइम हो चुका है 6:30, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नीतू हो गई है थोड़ी सी ठीक। सो गाइस, अभी नीतू की सेहत में हो गया इम्प्रूवमेंट, और यशस्वी ने अभी बहुत सारे कपड़े उठाए और एक कपड़े उठा के इसने कुर्सी पे रख दिया गाइस, और अपने किले से खेल रही है। सो गाइस, अभी 6:30 हो चुके हैं, तो मेरा चाय पीने का मन है, एक अच्छी सी चाय बनाते हैं नीतू के लिए, अपने लिए थोड़ा सा और एक्टिव करते हैं इसको, क्योंकि अभी इसने थोड़ी देर पहले जब उठ गई थी 2-3 घंटे पहले, इसने नीतू ने यशु को पढ़ाया, 3 घंटे हो गए करीबन, अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे तक दोनों जद्दोजहद में थे, मैं तो अपना साइड था बाहर, और एक दो बार थोड़ी छोटी सी पिटाई हुई है यशु की। सो अब उसके दिमाग में घुस गया बहुत सारी चीज़ें जो कल होने वाला इसका पेपर। सो गाइस, उम्मीद करते हैं कल इसका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो अभी थोड़ा सा फ्री कर दिया, थोड़ा सा घर का काम जो है नीतू और मुझे मिलके करना है, हम दोनों मिलकर करते हैं, पर उससे पहले पीते हैं एक कड़क चाय। तो गाइस, मैंने बिना तेल वाला पराठे शुरू कर दिए हैं, और मैं ऑयल कोशिश करूँगा कि मैं धीरे धीरे करके ऑयल बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, और इसके साथ मैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो रहा हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से आई रियली फील कि मेरे यहाँ थोड़ा सा हेल्थ इशूज़ हो रहे हैं इस रिलेटेड टू स्टमक, और मैं बिल्कुल बाहर का खाना खा लेता हूँ और बार बार वही दिक्कतें फेस कर रहा हूँ। इस वजह से मेरे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, मेरे चेहरे पे और मेरी बॉडी में फ़र्क पड़ रहा है। सो गाइस, मैं सोच लिया है कि कल से मैं शुरू करूँगा, मैं और नीतू इशू को स्कूल जाएगी और हम दोनों वॉक पे जाएंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा हर बार की तरह नहीं ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं। गाइस देखो पीछे से कौन आया, बुद्धू राम। ये गाइस, आप ये थोड़ी देर पहले मैं अंदर गया था, मुझे लगा सो रही है और इसने मुझे उद्धू बना दिया। आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा कौन करता है गाइस? ऐसा सिर्फ यही करती है। पापा, अभी मैंने कुछ करा है, आप ना पहले एग करो, उसके बाद देखो। तो गाइस, इसने कुछ किया, उसके लिए मुझको मैं माफी चाहता हूँ अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया है तो। पर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।